वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वाइस यूट्यूब सुध कमीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपीपीसीएल में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी यूपीपीसीएल एआरओ का वैकेंसी निकली है और उसके लिए शॉर्ट पेपर प्रैक्टिस बुक की आप डिमांड कर रहे थे, हम लोग लेकर आ गए हैं, रिव्यू हम दे दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको विषय बताता हूँ, कंप्यूटर रोल लेवल से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, तार्किक यानी रीजनिंग के रहने वाले 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, सामान्य हिंदी 70 क्वेश्चन 70 नंबर के और सामान्य अंग्रेजी 70 क्वेश्चन 70 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल 250 नंबर का होने वाला है, 250 क्वेश्चन और 250 नंबर के होने वाले हैं, वो लेवल पर विशेष है। इसके अलावा हमारे पास यूपीपीसीएल के अन्य भी जैसे टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिस बुक शॉर्ट पेपर्स मिलने वाले हैं आपको, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन टेट के परीक्षा प्रेशर मिल जाएगा, ये आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाएंगे। उसके बाद सहायक लेखाकार शॉर्ट पेपर ट्रिपल सी के तीनों आपको दो मिलने वाले हैं, कंप्यूटर स्पेशल मिलने वाला है, फेटर टेट हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसल ए आर ओ, जिसका मैं दिखा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और इलेक्ट्रीशियन टेट के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बुक जब ओपन करते हैं, बुक की जो प्राइस रहने वाली है 195 रुपीज़ रहने वाली है और बुक का जो नंबर ऑफ पेजेस रहने वाले हैं 240 पेजेस रहने वाले हैं। कौन कौन क्या क्या कौन कौन से पेपर है वो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पेपर जो इसमें आपको मिलने वाले हैं, यूपीपीसीएल का सिलेबस अभी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद 2018 में मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के दोनों आपको मिल जाएंगे, एआरओ के पेपर सॉल्ट पेपर्स, और 2016 का आपको सॉल्ट पेपर से मिलने वाला है। उसके बाद आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड का प्रैक्टिस सेट आपको 5 मिलने वाले हैं, पार्ट फर्स्ट के और पार्ट सेकंड के 5 मिलने वाले हैं, 10 सेट आपको रहने वाले हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे हटा दी गए सिलेबस मैंने बता दिया, यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी के 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन 20 नंबर के, तार्किक ज्ञान 40 नंबर के, सामान्य हिंदी 70 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 70 नंबर के, तो यहाँ पे 200 नंबर के टोटल होने वाले हैं, ठीक है। अब ये आपके सेकेंड हो गया, 200 नंबर का होता है। यहाँ पे सोल्यूशन है, जो क्वेश्चन मिलेंगे बायलैंगुअल मिलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड सहायक समिति 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसके बाद इवनिंग शिफ्ट का पेपर दिया गया, उसके बाद 2016 का दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि द सर्कुलर डिस्क एंड दैट मेक अप ए हार्ड ड्राइव आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो उसे प्लैटर्स कहा जाता है। तो परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हुए कहे जाते हैं, तो उन्हें प्लैटर्स कहते हैं। क्वेश्चन बायलैंगुअल मिल जाएगा आपको, ऑप्शन बायलैंगुअल मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन तुरंत मिल जाएगा और आंसर तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया 2018 के, तो शॉर्ट पेपर्स है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जेपीईजी का मतलब क्या होता है, जेपीईजी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि ये पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये 25 नंबर क्वेश्चन है, जेपीईजी के फुल फॉर्म में आप पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट होता है 200 नंबर का। तो सच बोले जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग नॉट ए ऑर ऑफ आयरन, तो इसमें आयरन का अक्स नहीं है, तो बॉक्साइट नहीं है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सभी विकल्प सही नहीं है, बॉक्साइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लौह एक खनिज है जिसमें लोहे का निष्कासन किया जाता है, इसमें प्रमुख रूप से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट आयक्त है। भारत में कड़प्पा धारवाड़ युग की अवसादी में लौह आयक की प्राप्ति होती है, जबकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आयक होता है, ठीक है। और पोलार फील्ड इज मेजर माइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, पोलार फील्ड किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है, तो कोलार वो सोने का है, सोने की खान कहा जाता है उसे, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोलार के खानों से ही सोना प्राप्त होता है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग समाप्त, यहाँ पे जीएस समाप्त होने के बाद फिर रीजनिंग पार्ट आते हैं, 20 क्वेश्चन होने के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन होने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी स्टार्ट होती है 70 क्वेश्चन, और उसके बाद 70 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद 70 क्वेश्चन इंग्लिश होते हैं। तो इस प्रकार आपका टोटल 250 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पेपर या आपका कंप्लीट हो गया पेपर फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का। इवनिंग शिफ्ट का भी यहाँ पे पेपर दिया गया है, यहाँ से आप पूरा उसी प्रकार से है, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर रोल लेवल के हो जाएंगे, उसके बाद जीएस रीजनिंग, उसके बाद सामान्य हिंदी, आपके सामान्य अध्ययन, और इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट, तो वो बहुत हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 2016 का मिल जाएगा, फिर यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट में बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट किस प्रकार दिया गया है। यहाँ पार्ट टू का प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन के साथ जैसा आपका नॉर्मल पेपर का होता है। जैसे ही पेपर आपका समाप्त होता है, वहाँ पे आपको आंसर के मिल जाएगा। सबसे पहले आपका रीजनिंग रहेगा, उसके बाद जीएस के रहने वाले, फिर सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, यहाँ पे सारे आप आंसर मैच करोगे। तो ऐसे 200 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको चेक करना होगा कि आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, क्यों गलत है, उसके लिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दिया है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिल रहा है। पहला जो क्वेश्चन था उसका डिटेल सोल्यूशन आंसर के साथ, दूसरा आंसर था, पहले आंसर के मैच करवाइएगा, जो क्वेश्चन आपके फंस गए हैं, जो नहीं हुए हैं, जिसमें प्रॉब्लम रही है, जिसमें डाउट रहा है, उसके लिए यहाँ पे
फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो उसे आप यहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग आपके 5 पेपर दिए गए हैं प्री के लिए, तो आराम से उसे 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन अगर आपने बुक लिया है तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले ओ लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होता है 50 क्वेश्चन, उसके बाद 50 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर की दिया गया है, आंसर के बाद यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। फुल एक्सप्लेनेशन के बाद आपके पार्ट टू यहाँ से स्टार्ट होता है, वही आपको जीएस रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर सोल्यूशन भी आंसर की देंगे, आंसर की के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आंसर की हो गया यहाँ पे पार्ट सेकंड की, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया गया है, काफ़ी डिटेल के साथ सोल्यूशन दिया गया है। आप आसानी से पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। क्वेश्चन जो कंप्यूटर का रहेगा वो बायलिंगुअल यहाँ पे दिया गया है, बायलिंगुअल है। उसके बाद जीएस का क्वेश्चन आपको जैसे कंप्यूटर समाप्त होता है 50 क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा हिंदी में है, उसके बाद आपके जीएस के क्वेश्चन हिंदी मिल जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन मिलेगा, फिर सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। तो यहाँ से ये समाप्त होता है, फिर यहाँ पे फिर आपके आंसर की आ जाएगी। ऐसे ही आप सारे पार्ट्स लगाते चले जाएंगे, और जितने भी पेपर्स हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए आप कोई भी ये हमारी वेबसाइट ycitybooks.com से परचेज कर सकते हैं, या ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर 7513405004 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो को अच्छी लगी, हमारे बुक का रिव्यू कैसा लगता है आपको वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका चैनल, इस चैनल आपके पढ़ाई में किस प्रकार योगदान दे रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपके रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे ऑफिशियल मेल पर भेज सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।